ये मेरा खाना, शाम का क्या बोलते हैं इसको, डोसा, और ये सब चीज़ के अलग अलग, नारियल वाला, ये आप लोग आज संडे है, आज संडे का मेरा मॉर्निंग का नाश्ता ये रहेगा, बंद और ये केला, एक्स्ट्रा और केला खाऊंगा बस है। बस ERPC का एग्ज़ाम, मेरा कुछ दिन बाद CRPC का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम नहीं टेस्ट है, इंटरनल जो होता है वो 18 मई को होगा, लगभग आज से 3 दिन बाद। उसमें केवल 3 टॉपिक आएगा, एक वारंट, एक वारंट नहीं आएगा, मेरा ट्रायल आएगा, और मेरा कुछ दिन बाद टेस्ट है जो इंटरनल होता है एग्ज़ाम उसका। तो मेरा फर्स्ट टेस्ट जो है वो है CPC का, तो CPC का अभी कल से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। आज मेरा 18 तारीख का जो टेस्ट है CRPC का उसका, उसमें 3 टॉपिक आएंगे, एक ट्रायल आएगा, वेल आएगा और चार्ज आएगा। तो मैंने उसका नोट्स बना लिया है अभी, क्योंकि उसको नोट्स, बिना नोट्स बनाए मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, तो मैंने बना लिया है, तो उससे आसानी होगा लिखने में मुझे एग्ज़ाम में, मतलब टेस्ट में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोट्स मेरा, तो बना लिया, और भी बना रहा हूँ मैं, अभी बनाना है मुझको, एक बना लूँगा फिर इसको कल दिन में, लाइब्रेरी जाऊँगा तो उसमें पढ़ लूँगा, और लाइब्रेरी में मेरा दो काम करना है, एक तो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, क्योंकि छोड़ना नहीं मुझे, तो दोनों एक काम कर लूँगा, फिर शाम को जो CPC का पढ़ना है वो पढ़ लूँगा। मिलते हैं यार कल आप लोगों से। मैं खाने के लिए एग लाया, अंडा लाया, 4 अंडा लाया था, क्योंकि मैं दिन भर कुछ खाया नहीं था इसलिए, और ये क्या बोलते हैं आलू का जो होता है, फ्राइड आलू है, और कुछ इधर है आम और पराठा। आज टिफिन नहीं है मेरा, पराठा सब्जी लेके आया हूँ। आज का मेरा खाना या पनीर की सब्जी और ये पराठा, क्योंकि मेरा आज टिफिन नहीं आया किसी कारण की वजह से, आज टिफिन मना कर दिया लाने के लिए वो लोग, आज केवल बस आज के लिए। तो मैंने आज पराठा और सब्जी पैक करा के लाया था मार्केट से, और वही खाऊंगा। यहाँ पे मैं कुछ नोट्स बना रहा था अपने जो टेस्ट है परसों उसके लिए, मैं चलो एक यूनिट आएगा तो मैं इसे नोट्स बना देता हूँ, क्योंकि मैं जनरली इंटरनेट से ही पढ़ रहा हूँ, इस समय टाइम नहीं मुझे मिल रहा है, तो इनका वीडियो देख के बना ले रहा हूँ, और इजी भी रहता है, और बना भी लिया है कुछ। एक है इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसका नोट्स बना रहा था मैं, देख सकते हैं इस बुक का, इंडियन एविडेंस एक्ट का। और कल मेरा कोई टेस्ट उस नहीं कॉलेज में, टेस्ट भी नहीं है और ना ही क्लासेस चलेगी, मैं कल कॉलेज जाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, लाइब्रेरी में सही रहता है, तो वहाँ पे मैं कल 9 बजे निकलता हूँ, 9 या 10 बजे तक, फिर पहुँच जाता हूँ वहाँ पे, फिर कभी कभी 8 बजे निकल जाता हूँ, पहुँच के वहाँ पर दिन भर लगभग 6 बजे तक रहता हूँ वहाँ पे, और पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे काफ़ी लड़के 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 रहते हैं, और क्लास के लोग रहते हैं, तो माहौल एक रहता है पढ़ने का, तो वहाँ पढ़ाई अच्छा हो जाता है। और इस समय तो मैं, कल मेरा दो काम है, एक तो एविडेंस एक्ट का जो परसों टेस्ट है इसका उसको पढ़ना, और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम मेरा आने वाला है उसको पढ़ना। और काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे एडमिशन करने के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं उसका वीडियो ज़रूर बताऊँगा अभी कुछ दिन में, या आज ही इस वीडियो में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा और वीडियो से बने रहिएगा। टिफ़िन नहीं आया क्योंकि आज संडे था, वो सब बोले थे कि टिफ़िन नहीं आएगा आज, तो मैं रात का खाना ये लगा ऑर्डर कर लिया था, मुझे थोड़ा 100 रुपये का पड़ा था, ये थाली पड़ा है, इसमें दाल है, चावल है, रायता है, सब्जी है, सलाद है, और ये सब्जी है, और ये गुलाब जामुन, और यहाँ पे रोटी पड़ा हुआ है, खाऊंगा आज, काम चला दूंगा इसको, क्योंकि आज टिफिन नहीं आया तो खाना ही पड़ेगा, कुछ वीडियो के साथ देख लूँगा। So like top रोटी, plates and stuff. रोटी
this Jesus statue is about 30 minutes. आज एक प्रॉब्लम हुआ कि मैं आज जैसे कि मैं कॉलेज में रहता हूँ दिन भर तो कुछ खा नहीं पाता हूँ, तो मैं जनरली दोपहर के टाइम 1 या 12 1 बजे के आसपास में बाटी चोखा खाने जाता हूँ। बगल में ही लगा दुकान लग खुला रहता है उन लोगों का जो काट होता है उस पर। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि आज वहाँ से वो सब गायब हो गए थे, कोई था ही नहीं वहाँ पर, तो मैं आज खा नहीं पाया खाना। तो मैं आज अंडा लाया था, उबला हुआ अंडा कटवा के लाया था, उसे खाया, और एक मिठाई खरीद के लाया था तो उसको खा लिया। मतलब स्नेह भी एक बचा है, और एक था अभी मेरा लंच भी और डिनर भी आ गया इस समय का, अभी करूँगा उसको 10 बजे करूँगा, अभी खाने का मन नहीं कर रहा। और मिलते हैं आप लोग से आगे कल कॉलेज में। जा रहा हूँ मैं अपना डिनर करने, ये है मेरा रोटी चावल सब्जी, और ये है सब्जी जो भी हो, सब्जी हो या दाल हो या कुछ भी हो, खाने से मिला है, नो कंप्लेन। इसको इधर रखते हैं, इसको इधर लाऊंगा मैं, मिलते हैं खाने के बाद, रोजे की चीज़ का दिखाऊँ।